और डोनाल्ड ट्रंप पर जो हमला हुआ उसको लेकर रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन से सीधे हम ट्रंप को आपको दिखाने जा रहे हैं। ट्रंप क्या कुछ बोल रहे हैं, आइए सुनवाते हैं आपको। If you want to really see something that said, take a look at what happened. If you want to really see something, take a look at what happened. देख रहे हैं जहां पर ट्रंप उस वक्त मौजूद थे जब उन पर हमला हुआ, और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं बस अब से कुछ ही देर में डोनाल्ड ट्रंप क्या कुछ कहते हैं ये देखना होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पर जिस तरीके का हमला हुआ उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें डोनाल्ड ट्रंप जो कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार भी हैं, पूर्व राष्ट्रपति भी हैं, उन पर जिस तरीके का हमला हुआ उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी ने सवाल खड़े किए जो बाइडेन पर, उनकी पार्टी पर, और इस सब के बीच आपको बता दें जहां हमले को लेकर लगातार जो जांच है वो FBI कर रही है, और जो बाइडेन ने भी स्टेटमेंट दिया उन्होंने कहा कि जांच लगातार जारी है, हमले का मकसद क्या था यह अभी तक साफ नहीं हो सका है। उधर डोनाल्ड ट्रंप जिन पर हमला हुआ अब वो सार्वजनिक मंच से क्या कुछ कहते हैं यह देखना होगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी यही बना हुआ है कि ट्रंप की हत्या का प्लान आखिर किसका था, कौन ट्रंप को मारना चाहता था, शूटर क्या चूक गया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि क्या इसके पीछे की सियासत है, क्या एक खास एजेंडे के तहत डोनाल्ड ट्रंप पर हमला किया गया। बिल्कुल, तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, एक तरफ लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं रिपब्लिकन कन्वेंशन में जहां ट्रंप पहुंचे हैं और उनकी उम्मीदवारी पर भी मोहर लग गए। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां 14 जुलाई को वो घटना हुई, रिपब्लिकन फिर से सत्ता में आएंगे, ट्रंप ने कहा बाइडेन को व्हाइट हाउस से हटाएंगे। इसके अलावा ट्रंप ने कहा है कि एक बार फिर से सत्ता में आएंगे, हमारी सबसे ऐतिहासिक जीत होगी, ये भी उन्होंने कहा और कॉन्फिडेंट वो नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही रिपब्लिकन्स को फिर से भरोसा जताया, उत्साह बढ़ाया और उनको भरोसा दिलाते हुए कहा कि हम फिर से सत्ता में आएंगे, आप जैसे काम कर रहे हैं करते रहिए, बाइडेन को व्हाइट हाउस से हटाना है और हटाएंगे। दरअसल 14 जुलाई को घटना होती है जहां उन्हें उनके कान के पास गोली रगड़ती हुई जाती है और उसके बाद कुछ धब्बे उनके गाल पर और कान पर दिखाई देते हैं, और ये आज की लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन वो पहुंचे हैं और वहां पर थोड़ी देर में संबोधित भी करेंगे, क्या कुछ बोलेंगे वो आपको सुनाते हैं। हालांकि ट्रंप ने कह दिया कि रिपब्लिकन फिर से सत्ता में आएंगे, जीत का दम भरते हुए ट्रंप अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी उनकी हौसला अफजाई करें, और साथ ही ये कह रहे हैं कि बाइडेन को व्हाइट हाउस से हटाएंगे। बाइडेन पर सीधा आरोप रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी ने जो बाइडेन पर आरोप लगाया, हमले का आरोप लगाया, हालांकि जो बाइडेन ये कह चुके हैं कि इस पूरे मामले को लेकर जांच जारी है, FBI ये बताएगी, पता लगाएगी कि आखिरकार हमलावर का मकसद क्या था, लेकिन इस सब के बीच इस पूरे मामले को एक तरह से भुनाने की कोशिश ट्रंप की तरफ से की जा रही है। ट्रंप कह रहे हैं कि रिपब्लिकन फिर से सत्ता में आएंगे, पूर्व राष्ट्रपति है क्योंकि ट्रंप, और इस बार राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार भी, बाइडेन को व्हाइट हाउस से हटाएंगे, ये दम भर रहे हैं ट्रंप, बाइडेन इतिहास के सबसे नाकाम प्रेसिडेंट। तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुआ जानलेवा हमला अब चुनावी कैंपेन की दिशा बदल सकता है। उनके चेहरे पर खून, गोली लगने के बाद प्रतिरोध में उनकी मुट्ठी भीजती हुई एक तस्वीर भी सामने आई थी। वहां के राष्ट्रपति चुनाव का पासा पलट सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन इसी के साथ ट्रंप पर हुए हमले को लेकर कई सवाल भी मुंह भाए खड़े हुए हैं। क्या कह रही है ट्रंप पर हमले की FBI रिपोर्ट, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की जांच कर रही FBI कई थ्योरी पर काम कर रही है, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है कई सवाल मुंह बाय अपने जवाब का इंतजार कर रहे हैं।
जिसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि ट्रंप पर हुए हमले की साजिश आखिर रची किसने, ट्रंप पर हमला किसे फायदा। एक रिपब्लिकन समर्थक ने ट्रंप पर हमला क्यों किया, क्या ट्रंप पर हमले के पीछे कोई रणनीति है। ये सवाल इसलिए क्योंकि अब तक अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले को लेकर जो खुलासे हुए हैं उसमें कई ऐसे सनसनीखेज खुलासे हैं जो अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों के काम करने के तरीके से लेकर इसके पीछे सियासी रणनीतिकारों की नियत पर भी सवाल खड़े करती है। मसलन ट्रंप पर गोली चलाने वाले संदिग्ध थॉमस मैथ्यू क्रूक्स के बारे में सामने आई जानकारी से ही शुरू करें तो ये साफ हो चुका है, संदिग्ध थॉमस मैथ्यू क्रूक्स रिपब्लिकन पार्टी का समर्थक था। उसने खुद को रिपब्लिकन वोटर के रूप में रजिस्टर कराया था। मैथ्यू की उम्र सिर्फ 20 साल की थी और वो पहली बार नवंबर में मतदान करने वाला था। ऐसे में सवाल है कि फिर उसने अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार पर हमला क्यों किया। सवाल तो उस वीडियो को लेकर भी उठ रहे हैं जिसमें ट्रंप पर हमले की भविष्यवाणी ब्रैंडन बेक्स नाम के एक पादरी ने 3 महीने पहले ही कर दिए थे, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। वीडियो में पादरी कहता है कि उसने ट्रंप पर जानलेवा हमला होते देखा है और ट्रंप उस हमले से बच भी गए और उन्होंने अगला राष्ट्रपति का चुनाव भी जीत लिया। And then I saw an attempt on his life. This bullet flew by his ear and it came so close to his head that it busted his eardrum. And I saw he fell to his knees during this time frame and he started worshiping the Lord. He got radically born again during this time frame. सवाल है कि क्या पादरी की भविष्यवाणी रिपब्लिकन समर्थक का हमला क्या महज एक इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई कनेक्शन है, क्योंकि ट्रंप जिस हमले में बचे हैं उसके बाद से ही उनकी लोकप्रियता अमेरिका में आसमान छू रही है। हमले के ठीक बाद मुट्ठी भीजते हुए उनकी तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर भी तूफान मचा दिया है, जबकि जिस हमलावर की जांच दुनिया के टॉप एजेंसी FBI कर रही है उसके साल 2022 में हाई स्कूल ग्रेजुएशन की तस्वीरें भी सामने आई है। उन तस्वीरों में नजर आने वाला थॉमस मैथ्यू क्रूक्स एक स्टूडेंट के तौर पर बेहद शांत दिखाई दे रहा है। उसके पड़ोसी भी उसे शांत मिजाज वाला छात्र बता रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि मैथ्यू क्रूक्स अचानक एक खतरनाक शूटर बन गया। I was shocked because knowing that he lived so close to me that he did something like that. It's shocking. वही ट्रंप पर हमले की जांच कर रही अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के हवाले से जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक ट्रंप की रैली की निगरानी में लगे सुरक्षा कर्मियों ने हमले से ठीक पहले वहां तैनात स्नाइपर को उसकी मौजूदगी को लेकर खबर दी थी, जिसके बाद स्नाइपर ने क्रूक्स की तरफ टारगेट लॉक कर दिया था। लेकिन इससे पहले कि स्नाइपर कोई फैसला ले पाता, थॉमस मैथ्यू क्रूक्स ने ट्रंप को निशाना बनाकर गोली चला दी। सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि आखिर 20 साल का हमलावर आखिर इतनी चाक चौबंद सुरक्षा में सेंध लगाकर ट्रंप के इतने करीब कैसे पहुंचा। बहरहाल सवाल कई हैं और जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं। ऐसे में सभी को इंतजार है कि पूरी दुनिया को हैरान करने वाले इस हमले की सच्चाई FBI कब तक सामने लाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।